કોંગ્રેસના મહાસચિવ પ્રિયંકા ગાંધી વાડ્રાએ કલબુર્ગીમાં ભાજપ પર પ્રહાર કર્યા. કર્ણાટકને નંબર વન બનાવવાના પીએમ મોદીના ભાષણને લઈને કર્યા કટાક્ષ. જબ વો મહેનત નહીં કરતે, જબ વો ઈમાનદારી સે કામ નહીં કરતે, જબ ઉનકા મકસદ સિર્ફ આપકો લૂટના બન જાતા હૈ, તો હમે ક્યા કહેના ચાહિયે ઉનકે બારે મેં? ક્યા કહેના ચાહિયે? નિકાલના ચાહિયે કે નહીં? निकालना चाहिए ना उनको. 40% सरकार, इतनी शर्म की बात है कि 3.5 सालों में सिर्फ अपनी पहचान इसमें बनाई है इन्होंने. 40% सरकार अपने आप को पहचान बनाई है इन्होंने. पूरा कर्नाटका जानता है कॉन्ट्रैक्टर्स ने आत्महत्या की, किसानों ने आत्महत्या की, किसी विधायक के बेटे के घर में 8-8 करोड़ कैश मिल रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी की सहायता के लिए आगे नहीं आए. बल्कि जिस विधायक के बेटे के घर में 8 करोड़ कैश मिलते हैं, वो विधायक परेड निकालता है सबके सामने कि छू के देखो मुझे. ये हालत, ये परिस्थितियां बन गई है आपके प्रदेश की. खुलेआम लूट हो रही है हर तरफ, झूठ और लूट. अब अगर किसी को ये परिस्थिति बदलनी है तो कौन बदलेगा? आप बदलोगे?